यह है झारखंड का ढूंढचांच। और यह जैसा कि आप जानते हैं, आपने अपने सारे किताबों में भी जरूर पढ़ा होगा कि यह खनिजों का या माइनिंग का एक बहुत बड़ा इलाका रहा है। और इतिहास में इसका एक जिक्र है कि इन पहाड़ों पे जो खनिज निकला है, इन चट्टानों से बहुत सारे जो क्रशर का क्षेत्र था, और इस समय यहाँ पर क्रशर का काम बहुत ख़राब हुआ क्योंकि एनजीटी के नियमों के मुताबिक बहुत सारे काम को रोक दिया गया है, क्योंकि प्रशासनिक दबाव था कि इससे यहाँ पर पशु पक्षी और जानवरों का नुकसान हो रहा है, जबकि यह एक बहुत बड़ा ही रोज़गार देने वाला एक सेक्टर था। इस सेक्टर के वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए और एक इकोनॉमी को असर पड़ा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। कहीं दबाव में इस काम को बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का व्यापार और यहाँ के लोगों की खुशहाली पता नहीं किन्हीं कारणों से छीन लिया गया है। सत्यता क्या है यह तो प्रशासन बेटर बता सकता है, लेकिन यहाँ जब भी हम लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। और अच्छा इसलिए लगता है कि आज भी कुछ क्रशर चल रहा है, और यहाँ ही नहीं, यह पूरे देश में इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई होते हैं, और इसके वजह से कई व्यापार के एवेन्यूज़ यहाँ खुलते हैं। बहरहाल यहाँ पर आकर अच्छा भी लग रहा है, खुली हवा है, वादियाँ हैं, और एक नेचुरल रिसोर्स है जिसका यूटिलाइज सही और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। धन्यवाद।